हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2018 रिक्रूटमेंट। अगर आप जानते नहीं है तो आरबीआई ने कुछ टाइम पहले ही अपने असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पोस्ट रहेगी जिसके लिए रिक्रूटमेंट निकल रही है वो है असिस्टेंट लेवल पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम है पर बहुत अच्छा जॉब है, 27 नंबर ऑफ पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, ग्रेजुएट आप किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं पर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह रहेगा, पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे और मेंस का भी अगर आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, पे स्केल रहेगी 14,650 पर मंथ और उसके बाद का इंक्रीमेंट तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं कल से, मतलब 26 जनवरी 2018 से। लिंक जैसे ही अपडेट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आप आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हैं rbi.org.in पे। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो प्लीज इसको भरिए क्योंकि बाकी एग्जाम्स के साथ इसकी भी आपकी साथ साथ तैयारी हो ही जाएगी क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, पैटर्न सेम है। तो ये नहीं कि आरबीआई के अलग से तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट की भी तैयारी हो जाएगी। सिलेक्शन की चांस है, कितने भी एग्जाम हमें जरूर देना है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंस आए और ज्यादा फेमिलियर हो सके एग्जाम सिचुएशन से। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपके या कोई भी आगे डेवलपमेंट होगा इस नोटिफिकेशन में, आगे कोई और डिटेल सामने आएंगी तो हम जरूर से जरूर पोस्ट करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस।